स्वागत है आपका फिर से आपके YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडियन रेलवे फैंस आर्मी। जिसने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अरे कहना क्या चाहते हो? दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को आज का थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो में हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू रेलवे लाइन के बारे में, जिसमें हम आप लोगों को आज की वीडियो में बताने वाले हैं भारत और बांग्लादेश के बीच न्यू रेलवे लाइन के बारे में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, बिना स्किप करें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी बांग्लादेश समक्ष शेख हसीना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी बांग्लादेशी समक्ष शेख हसीना बुधवार को सीमा पार रेलवे परियोजना की संयुक्त रूप से शुरुआत करेगी। दोनों पड़ोसी देशों की प्रधानमंत्री सुबह 11 बजे ऑनलाइन कार्यक्रम में अगरतला अखोरा क्रॉस बॉर्डर रेल संपर्क परियोजना की शुरुआत करने वाले हैं। ये 15 किलोमीटर लंबा रेल संपर्क होगा, जिसका 5 किलोमीटर का हिस्सा भारत और 10 किलोमीटर बांग्लादेश में होगा। सीमा पार व्यवहार में बढ़ावा देने में इसे अहम माना जा रहा है। साथ ही इनके बनने से ढाका के रास्ते अगरतला से कोलकाता आने जाने में लगने वाला समय भी घटेगा। इस प्रोजेक्ट का ट्रायल टेस्ट सोमवार को दोपहर 12 बजे हुआ, जो सफल रहा। परियोजना में एक प्रमुख पुल और 3 छोटे पुल शामिल हैं। अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में ट्रेन को अगरतला से कोलकाता पहुंचने में करीब 31 घंटे का समय लगता है, जो 10 घंटे कम हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि परियोजना के काम में तेजी लाने के लिए भारतीय रेल ने अपने बजट में 153.84 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। मालूम हो कि त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ 856 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। इसके कुछ हिस्सों में स्थानीय स्तर पर विवाद है, जिसके कारण अभी भी बाड़ नहीं लगाई गई है। देश के बाकी हिस्सों में राज्य का एकमात्र सड़क संपर्क असम और सिलगुड़ी में भूमि की संकीर्ण पुट्टी है। सफल रहा ट्रायल रन, इंजीनियर ने बताया। अगरतला अखोरा रेलवे प्रोजेक्ट भारत और बांग्लादेश के बीच यात्री और माल दोनों की आवाजाही के लिए दोहरी गेज स्टेशन है। ये पूर्वोत्तर राज्यों त्रिपुरा, असम और मिजोरम की दक्षिणी हिस्से के लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होने वाला है। बांग्लादेश रेलवे के सीनियर इंजीनियर लियापता अली मजूदार ने कहा, ट्रायल रन सफल रहा है। दोनों देशों की सरकारों के बीच बातचीत के आधार पर यात्री ट्रेनें शुरू होने की संभावना है। इतिहास के पत्तों में पलटकर देखें तो औपनिवेशिक युग के दौरान अखोरा अगरतला के लिए रेलवे लिंक हुआ करता था। अधिकारियों के अनुसार अगरतला अखोरा मार्ग में भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय रेलवे लिंक के निर्माण अब तक 862.5 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। ये प्रोजेक्ट 2020 में ही पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया था, मगर भूमि अधिग्रहण और कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई। दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की जुड़ी जानकारी समाप्त होती है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं कुछ वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, आई लव यू गाइस।